रिसेंटली गाइस काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं इस पे अलग से एक वीडियो करूँ कि कैसे हम एक क्लियर और ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं और एक्ने पिंपल्स बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्ट लोग करते हैं जब वो अपने फेस से पिंपल्स और एक्ने क्लियर करना चाहते हैं वो ये है कि वो अपने फेस पर कोई फेस वॉश या क्रीम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि फेस वॉश या क्रीम लगाने से उनका फेस क्लियर हो जाएगा, बट गाइस वो कभी ये नहीं सोचते कि उनकी स्किन डैमेज ही क्यों हो रही है, उनके फेस पे एक्ने या पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। वो बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं और काफ़ी लोग इवन एक्सक्यूजेज यूज़ करते हैं कि हमारे जेनेटिक्स की वजह से या गर्मी की वजह से या टीनेजर्स की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, या कई लड़कियां पीरियड्स को एज एक्सक्यूज़ यूज़ करती हैं। नहीं गाइस, गाइस सबसे बड़ा रीज़न क्यों आपके पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो ये है कि जो आपकी स्किन है वो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है, और जब आप अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं देते या गलत न्यूट्रिएंट्स देते अपनी बॉडी को, तब आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं जो एक्ने की फॉर्म में, पिंपल्स की फॉर्म में बाहर आते हैं। तो गाइस अब आप ये तो समझ गए हैं कि जो आपकी डाइट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और डाइट में मोस्ट लोग तीन कॉमन मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड शुगर कंज्यूम करते हैं। शायद आप में से काफ़ी लोगों को ना पता हो बट शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकीन। कोकीन जो ड्रग होता है उसके जितनी एडिक्टिव होती है शुगर। और दूसरी मिस्टेक ये कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट कंज्यूम करते हैं। ट्रांस फैट होता है आपके जंक ऑयली फूड्स में, और गाइस ट्रांस फैट सबसे घटिया न्यूट्रिएंट है जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, अपने फेस के लिए, अपने स्किन के लिए और अपनी हेल्थ के लिए। और गाइस इसलिए आप जो जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, उसे सबसे ज़्यादा अवॉइड करें। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, डिहाइड्रेशन, नॉट कंज्यूमिंग इनफ वाटर। और दोस्तों सच बताऊँ तो ये मिस्टेक इवन मैं भी करता हूँ, बट मैं क्योंकि दूध बहुत पीता हूँ और जूसेस बहुत पीता हूँ इसलिए मेरी बॉडी कभी डिहाइड्रेट नहीं होती, क्योंकि मैं फ्लूइड कंजप्शन तो कर ही रहा हूँ। और गाइस सबसे आसान तरीका ये चेक करने का कि आप डिहाइड्रेटेड हैं या नहीं, वो है चेकिंग द कलर ऑफ योर यूरिन। अगर वो थोड़ा येलो है इट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड, ड्रिंक मोर वाटर, बट अगर वो क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस इसके अलावा काफ़ी लोग अपने हाथों से अपने फेस को टच करते रहते हैं, उनकी एक ये हैबिट होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। बट गाइस जब आप ये हरकत करते हैं ना तब जो आपके हाथों में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वो सारे आपके फेस पे चल जाते हैं, जिससे फिर एक्ने होते, पिंपल्स होते हैं, और फिर वही लोग पिंपल्स को भी फोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि एक पिंपल चल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, बट गाइस एक्चुअली में होता ये है। मैं आ रहा हूँ शुक्रवार को, पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। और गाइस आखिर में आप उन चीजों को अवॉइड करें जिनसे आप एलर्जिक हैं। काफी लोग डेयरी प्रोडक्ट से, अंडों से, नट से एलर्जिक होते हैं, तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। या इवन काफी लड़कियां पीरियड्स के दौरान दवाइयां लेती हैं, ड्रग्स लेती हैं, जिससे वो एलर्जिक होती हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, और उस एलर्जिक रिएक्शन का रिजल्ट होता है एक्ने, पिंपल्स। इसलिए गाइस आप उन ड्रग्स को या उन फूड्स को अवॉइड करें जिनसे आप एलर्जिक हैं। और गाइस अब मैं आपके साथ अपना फेवरेट जूस, फेवरेट ड्रिंक शेयर करता हूँ जो मैं रोज सुबह उठ के पीता हूँ, जिससे मेरे को पिंपल्स या एक्ने बहुत कम होते हैं और मेरी स्किन हमेशा क्लियर और ग्लोइंग रहती है। और गाइस इस जूस को बनाने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा टमाटर का रस, थोड़ा सा गाजर का रस और थोड़ा सा चुकंदर का रस, बीट रूट का रस, और इन तीनों को आपने 1:1:1 रेशियो में मिक्स करना है। और गाइस इस जूस को आपने पीना है रोज सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। और गाइस इसमें जो असेंशियल विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी थ्रू आउट द डे। आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, आपके फेस पे ग्लो रहेगा, फ्रेश रहेगा आपका फेस, डल नहीं लगेगा फेस आपका। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना पर्सनल फेस पैक जो मैं खुद बनाता हूँ घर पे नेचुरल इंग्रेडिएंट से। और गाइस ये फेस पैक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि ये जो फेस पैक है ये आपकी डाइट को, लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इट्स जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। अगर आपकी जो डाइट है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है वो पॉइंट पे नहीं है तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर करें जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में चीज़ें बताई है वो आप जरूर फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं फेस पैक की।
गाइस इस फेस पैक के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, पहली है हनी, सेकंड लेमन और तीसरी बेसन। तो गाइस पहले आपने हनी और बेसन को मिक्स करना है कटोरी में और फिर उसमें 8 से 10 ड्रॉप्स लेमन की ऐड करनी है। दोस्तों बेसन जो हम यूज कर रहे हैं इसमें वो आपके पिंपल्स को, डेड स्किन को, डार्क स्किन को खत्म करने में हेल्प करता है और जो आपकी फेस में से एक्सेस ऑयल होता है उसे रिमूव करने में मदद करता है बट आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बेसन का। और हनी में होती है काफ़ी एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छी हैं। और हनी इसके अलावा आपके फेस को मॉइस्चराइज करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और लास्टली जो हम लेमन यूज कर रहे हैं इसमें, उसमें होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन को डैमेज होने से रोकती है। तो गाइस इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपका मास्क कुछ ऐसा दिखेगा और इस मास्क को अब आप अपने फेस पर लगा सकते हैं और लगा कर फिर छोड़ सकते हैं 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद आप अपना फेस पानी से वॉश कर सकते हैं। और गाइस आप इस मास्क को स्टार्टिंग में यूज करें सिर्फ एक बार, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज या प्रोडक्ट ट्राई करते हैं अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, उसे बहुत कम यूज करें, बहुत कम क्वांटिटी में यूज करें और सिर्फ उसके इफेक्ट्स देखें अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर और फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें 1 से 2 बार, फिर धीरे धीरे 2 से 3 बार अगर आपको अच्छे इफेक्ट दिखते हैं इससे। पर दोस्तों आपको इस मास्क से तभी फायदा होगा जब आपके बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स पॉइंट पे हैं। लोग चाहते हैं कि हम कोई फेस वॉश लगाएं, फेस मास्क लगाएं जिससे हमारी स्किन इंस्टेंटली क्लियर हो जाए, एक्ने खत्म हो जाए, पिंपल्स खत्म हो जाए, बट गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। चाहे बाकी यूट्यूबर्स आपको ये बताते हो बट गाइस रियलिटी कुछ और है। और मेरा काम है इस चैनल पे आपको सच बताना ताकि आपका फायदा हो। झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपको सच बताऊंगा इस चैनल पे और बताते आया हूँ और बताता रहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अभी छोटा है बट कंटेंट बड़ा होगा। मिलते हैं अगली बारी। टेक केयर।